हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। क्या बोलता है निकेत, कल की रेस में अपना रौनक कमाल दिखाएगा? दिखाएगा, क्यों नहीं दिखाएगा। अपने रेस का स्टार बाइकर जो है। कल की रेस तो हमें जीतनी है, इतनी बड़ी प्राइज मनी किसी और टीम के हाथ। बाय द वे, किसी भी टीम की लीडर अगर रोशनी हो तो टीम जीतेगी ना। अच्छा। तो रोशनी, कैसी लगी मेरी तैयारी? हमेशा की तरह बेस्ट। तू तो बेस्ट है यार, देखना तू ही जीतेगा। यार यही तो प्रॉब्लम है तुम लोगों की, बेस्ट बेस्ट बोल कितना प्रेशर बना देते हो ना कि मुझे खुद ही टेंशन होने लग जाती है कि पता नहीं मैं जीत भी पाऊंगा या नहीं। चिल 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 बाबा, ये बेकार की बातें ना अपने दिमाग में से निकाल के फेंक दे। पता है ना हमारे लिए ये रेस जीतना कितना इम्पोर्टेंट है? अरे बस ये सोच कि कल की रेस तू कैसे जीतने वाला है। टेंशन मत ले, बोला ना एक बार जीतेंगे मतलब जीतेंगे। और तू जानती है एक बार जब मैं बाइक पर बैठ जाता ना फिर मुझे पीछे रहना पसंद नहीं। चल कर तू। पागल हुआ नहीं, लेकिन अगर तू सुधरा नहीं ना मुझे पागल होने में टाइम नहीं लगेगा, समझा? क्या करेगा तू, क्या करेगा? दिखाओ मैं क्या करूंगा, दिखाओ तुझे। अमन, ये क्या किया तूने? जो बता ना कल रेस है। आई एम सॉरी, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, वो तो अचानक से। निकल जाए यहाँ से और दोबारा यहाँ दिखना मत। लेकिन रोशनी, एक छोटे से झगड़े के लिए तुम लोग मुझे ग्रुप से आउट करोगे क्या? समझ नहीं आया तुझे? मैंने कहा निकल जाए यहाँ से और मेरे ग्रुप के आसपास दोबारा दिखना मत। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। शांत हो जा, परंतु शांत हो जा। इसे हॉस्पिटल लेके चलते हैं। मुझसे खड़ा नहीं हो जा रहा रोशनी। रोशनी, अब इसका क्या होगा रोशनी? ओह माय गॉड, अब हम क्या करेंगे? उसको काफी ज्यादा, कल तक ये ठीक नहीं हो सकता और इसके बिना हम ये रेस नहीं जीत सकते। कुछ तो करना पड़ेगा, ये रेस तो हमें जीतनी है। लेकिन इतने कम समय में हम दूसरा रेसर कैसे लेके आएंगे? इस समय बस एक ही इंसान है जो हमारी मदद कर सकता है, नितिन। आप तो खुश हो ना तुम, शॉपिंग करके कैसा लग रहा है? बहुत खुश हूँ भैया। वैसे भी किसी भी लड़की के लिए ना शॉपिंग मतलब दुनिया की सबसे बड़ी खुशी। चलो, छोटी बहन के चेहरे पर खुशी देखकर जेब हल्की करना भारी नहीं लगता। इसीलिए तो मेरा भाई दुनिया का नंबर वन भाई है। ये मुझे आपके जैसे दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए आपने कभी मुझे मॉम डैड की कमी भी महसूस नहीं होने दी। तो 2 मिनट यहीं रुक, मैं बाइक लेकर आता हूँ। ठीक है। कौन? हेलो नितिन, नाम जानकर क्या करेगा? बस ये समझ ले तेरी किस्मत ने दस्तक दी है। आज रात साल की सबसे बड़ी रेस है,
उसी नई सड़क पर आ जा। तुमने गलत नंबर पर कॉल किया, मैंने ये सब काम करना छोड़ दिया। इतना मोटा माल मिलेगा तो सोच भी नहीं सकता है। वैसे भी तू बेस्ट राइडर है तो इसकी फर्स्ट पोजीशन के पैसे पर भी तेरा ही हक बनता है। जो रास्ता मैं छोड़ देता हूँ उस पर वापस नहीं जाता। मेरा नंबर डिलीट कर दो और बेटर होगा कि मुझे कॉल मत करना आगे से। प्लीज आप यहीं रुकिए। हे भगवान, प्लीज मेरी बहन को कुछ नहीं होना चाहिए भगवान। उसके अलावा मेरी दुनिया में कोई भी नहीं है। डॉक्टर कैसी है मेरी बहन? डॉक्टर मेरी छोटी बहन है डॉक्टर, उसने तो अभी दुनिया भी नहीं देखी डॉक्टर। डॉक्टर से बचा लीजिए डॉक्टर। देखिए आपकी बहन का ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर कीजिए ना ऑपरेशन, डॉक्टर जो करना कीजिए, प्लीज मेरी बहन को बचा लीजिए डॉक्टर। देखिए इसमें बहुत खर्चा आएगा। कितना डॉक्टर? 5 लाख। 5 लाख? हाँ डॉक्टर, लेकिन 5 लाख तो बहुत बड़ी रकम है। इतनी बड़ी रकम मैं कैसे कर पाऊँ डॉक्टर? देखिए पैसों का इंतजाम तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि डॉक्टर को बाहर से बुलाना है। ठीक है डॉक्टर, आप ऑपरेशन कीजिए, मैं पैसों का इंतजाम करता हूं। ठीक है पर जल्दी। अरे ये तो वही नंबर है, अभी कॉल आया था, क्या चाहता है मुझसे? हेलो। हाँ नितिन, अभी भी वक्त है नितिन, सोच लो। रुपए तेरी जेब में आने के लिए छटपट आ रहे हैं, और ये तू भी जानता है कि ऐसी रेस जीतना तेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो सोच मत दोस्त, हाँ कर, और इस रेस को जीतकर कुछ हमारा और कुछ अपना भी भला कर ले। क्या कहता है, नाम दे दूं तेरा? चल सोच कर फोन कर जल्दी, आधे घंटे में नाम देना है। ग्यारह बज गए यार, नितिन का कहीं दूर दूर तक कुछ अता पता नहीं है, रेस शुरू होने वाली है यार। परेशानी वाली कोई बात नहीं है यार, नितिन ने एक बार कह दिया कि वो आएगा तो वो जरूर आएगा रोशनी, डोंट वरी। ऐसा ही हो, लेकिन ये रह कहाँ गया, अभी तक आया क्यों नहीं? नितिन आ गया। कहाँ? Thank God। देखा रोशनी, कहा था ना मैंने, नितिन है वो नितिन। अब हमको रेस जीतने से कोई नहीं रोक सकता। All the best।
आपने फोन किया था? हाँ सर। अब ये नहीं है। जरा पलटो सर। हेलमेट निकाल। निकल जाए यहां से और दोबारा यहां दिखना मत। लाश तो एकदम बुरी तरह से झुलस गई है। हाँ सर, शरीर का ऊपरी हिस्सा ज्यादा जला हुआ है। सर, जिस तरह से इस बाइक के परखच्चे उड़े हैं, देख के तो लगता है ब्लास्ट हुआ है। जिस तरह बाइक ब्लास्ट हुई है, उस तरह तो इस लाश के चीथड़े चीथड़े जाने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं है। जरा देखो आसपास कुछ मिलता है क्या? सर, आपने क्या देखा यहाँ पे? सर, मैं तो यहाँ से जा रहा था, देखो तो एक आदमी मरा पड़ा हुआ है। किसी को देखा यहाँ पे? मेरा मतलब है किसी को यहाँ से भागते हुए देखा आपने? नहीं सर। कोई धमाके की आवाज? नहीं सर, जब मैं यहाँ आया तो सिर्फ बाइक से धुआं निकल रहा था और कुछ पार्ट जल रहे थे सर। ठीक है, आप जाइए। ओके सर। इसका कहना है कि धमाके की कोई आवाज नहीं सुनी इसने। सर, तो फिर बाइक पे आग कैसे लगी? सर, कहीं किसी ने बाहर से? अभी तो जांच के बाद ही पता चलेगा। शायद काम करो, मैकेनिक को फोन करके बुलाओ। सर। आग लगने के बाद ये बाइक घिसटते हुए काफी दूर तक गई है, वहां से यहां तक। सर। हाँ सर, एक सेकंड। सर ये देखिए सर, जेब में कोई आइडेंटिटी तो नहीं मिली है सर, और कपड़े भी सारे जल गए। मगर ये जैकेट देखिए सर, ये जैकेट थोड़ा अलग सा है। तो वैसी जैकेट है जैसे वो बाइक रेसर्स पहनते हैं। मतलब ये एक बाइक रेसर था? नाइट बाइकर्स। सर, नाइट बाइकर्स। सर मतलब सुनसान रास्ते पर ये लोग सब लोग बाइक रेसिंग करते सर, और सर बहुत सारे लोग पैसे भी लगाते सर, मैंने सर सुना है। तो क्या यहाँ पे बाइक रेस हो रही थी? हाँ। अब ये तो पता करना पड़ेगा। सर, मैकेनिक को फोन कर दिया। गुड, इस बाइक को संभाल के उठाओ और फॉरेंसिक गैरेज में भिजवा दो, और इस लाश को फॉरेंसिक लैब में, और जगह को सील करवा दो। पहले तो ये पता करना होगा कि ये आदमी है कौन। बड़ा अजीब सा एक्सीडेंट लग रहा है। मोटरसाइकिल के सारे हिस्से चेक कर लिए, कहीं पर कोई दूसरी गाड़ी से टकराने का कोई निशान नहीं मिल रहा है। तो फिर इस बाइक पे आग लगी कैसे? चिपचिपा सा कुछ है ये, क्या? ये चिपचिपा सा तो दया पॉलीविनाइल क्लोराइड है। पॉलीविनाइल क्लोराइड? बिल्कुल, मुझे लाश पे से मिला, उसकी जैकेट पे लगा हुआ था। और ये कोई साधारण केमिकल नहीं है, हाईली इनफ्लेमेबल केमिकल है। एक जरा सी चिंगारी भी लग जाए ना इस पर, तो मिनटों में लपटे पकड़ लेता है, सेकंड्स में इंसान को जला के खा कर सकता है। इसलिए लाश का ऊपर का हिस्सा बुरी तरह से जला हुआ था। बिल्कुल सर। ये केमिकल उस बाइकर के जैकेट पे अपने आप तो लगा नहीं होता। शायद किसी ने जानबूझकर ये केमिकल उस बाइकर के जैकेट पे लगा दिया था, ताकि तुरंत आग पकड़े और उसकी मौत हो जाए। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे कैसे आग लगी जो हैकिंस ने उसके जैकेट तक पहुंच गई। सर, पता चल गया सर। क्या क्या पता चला? सर, इस बाइक में नाइट्रो फिट किया गया था, ये देखिए। नाइट्रो? जी हाँ सर, इससे गाड़ी की स्पीड बढ़ाई जाती है, रेसर्स लगवाते हैं अपनी गाड़ी में। आसानी से ये मिलता भी नहीं है सर, पूरा काम इल्लीगल है सर। सर, इसका मतलब आपका अंदाजा सही निकला, उस जगह पर रेस होती है। अच्छा, ये बाइक पे आग नाइट्रो की वजह से लगी? वो कुछ और भी चक्कर है। ये तार देखो, ये इन तारों से छेड़छाड़ की गई है ताकि इस मोटरसाइकिल में आग लग सके। क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? जी सर। लेकिन ये सब किया किसने होगा?
अच्छा तुम ये बता सकते हो कि ये काम कौन मैकेनिक कर सकता है, मतलब ये बाइक पे नाइट्रो फिट करने का काम? घबराओ नहीं, तुम उसका नाम और गैराज बताओ, हम देख लेंगे। कैसा है? थोड़ी तेरी मदद चाहिए थी भाई। क्या बात है? ये बाइक में ना मस्त नाइट्रो फिटिंग करने का। नाइट्रो? एक बात बता, अबुन तेरे को कोई टपोरी दिखता है क्या? है? नहीं ना, देख इधर ऐसा कोई खोटा वोटा काम नहीं होता, समझे? चल इधर से निकलो, अभी दोबारा नजर नहीं आने का, चलो चल जल्दी। जाता है यार, भड़कता है। जाना भाई, चल जा। क्या प्रॉब्लम है भाई? तेरी एक मदद चाहिए यार। भाई मदद मांग रहा है कि टोपी पहना रहा है? बोलो ना, एनी टाइम मदद, बोलो ना क्या चाहिए। नाइट्रो। नाइट्रो बोले तो? बोले तो वो जो तू बराबर समझा। बहुत नाम सुना है मैंने तेरा, ठीक है ना? मेरा आज बाइक रेस है, मेरे को फर्स्ट आने का, करके सबसे आगे जाने का। ओ भाई, तुमको गलत फैमिली वाला है, इधर सब ये गलत काम नहीं होता है। रॉन्ग नंबर लगे ले, कोई दूसरा देखो, और किसको बोलना भी मत, नहीं तो अपन लोचे में आ जाएगा भाई। नाइट्रो वाइट्रो का बात कर ले, देख ले तेरे ऊपर है, से जो मांगेगा वो मिलेगा। जितना मांगे उतना मिलेगा? रोकड़ा। अब बोल तेरे करने का है कि मैं कोई दूसरा ढूंढना? चल। अरे अरे सुनना यार, बोल। वो तो जाएगा, लेकिन क्या है? लेकिन कितना चाहिए बोलना। अरे पैसे का बात नहीं है, वो इधर नहीं हो सकता है, दूसरे पते पे आना। कहाँ? नंबर बोलना। टाइम पे आया भाई, सॉरी यार थोड़ा लेट हो गया। कोई नहीं, लेट पे चलेगा, काम हो जाएगा ना। अरे एकदम बराबर, जिस गाड़ी पे अपन ने हाथ रखा ना, वो गाड़ी रेस में एकदम पहला नंबर पे। भाई तेरा काम हो जाएगा ना, तू जब चुपचाप कल्टी हो जाना, एरिया बहुत डेंजर है। और सही सही सही, और किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। सही क्या? रोकड़ा निकाल, रोकड़ा। रोकड़ा? हाँ, रोकड़ा नहीं मिलेगा ना भाई तो अपन बाइक को हाथ भी नहीं लगाएगा, अपन का उसूल है पहले रोकड़ा फिर काम। माल माल माल, याद है याद है। एक मिनट यार, एक बात बता, एक सीआईडी ऑफिसर से तू पैसे लेगा? सीआईडी? हाँ? अबे बता रहा है कि डरा रहा है क्या? टेढ़ा समझा क्या? हाँ चल माल निकाल, निकाल ले तो डाल दूंगा भेजे में। अच्छा बाइक में पैसा है? ले 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 ले, निकाल डाल इसमें। हाँ अभी पैसा भी नहीं और काम भी नहीं, समझा? हट। तुम जो कर रहे हो क्या? पब्लिक सेवा? क्या करेगा साहब, गरीब आदमी है साहब, सारा दिन गैरेज में हड्डी गलाने के बाद भी अपने परिवार के लिए दो वक्त रोटी भी नहीं कमा सकता है साहब। तुम्हारे उन थोड़े से पैसों के लिए
किसी बेगुनाह की जान चली गई। जान चली गई? नहीं नहीं माँ कसम साहब, मैंने किसी को नहीं मारा साहब, सच्ची बोलता नहीं मारा मैंने किसी को। नाइट्रो किस किस की बाइक में लगाया ये तो पता है ना, चल वो बता। वो साहब रोज रोज तो ये काम होता नहीं साहब, वो बाइकर गैंग के लिए किया साहब। कहाँ में लगाया क्या? वो नेशनल पार्क के पीछे का जो रास्ता है ना उधर ही, वो बाइकर गैंग का अड्डा। नेशनल पार्क के पीछे वाले रास्ते पे ले चलो उसे। आज से अपुन के जगह पे ना ये आएंगे काम पे, बहुत शार्प आते हैं इनका। पक्का? पक्का। ध्यान रहे कि मेरी टीम में आ रहा है, ठीक है? अरे आप फिकर मत करो, एकदम साफ है, मस्का हाथ है इसका। बता प्रॉब्लम क्या है, अभी ठीक कर देते हैं। ठीक है ठीक है, ये गाड़ी रेसिंग के लिए तैयार करनी है, इसमें नाइट्रो डाल देना। नाइट्रो? हाँ हाँ, वो भी हो जाएगा। ले ले नाइट्रो। ये क्या कर रहे हो आप, ये गन क्यों दिखा रहे हो, पागल हो गए क्या? CID। पकड़ो सर। तो ये काम कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे, गैर कानूनी काम और रेसिंग? सर वो मैं सर क्या ये मैं क्या लगा रखा है जानते हो ना, ये नाइट्रो गैर कानूनी है, तुम सबको जेल होगी, समझे? सर हम तो सिर्फ रेसिंग करते हैं सर। सिर्फ रेसिंग? तुम्हारे वजह से एक बेगुनाह की जान चली गई है, तुम्हारे टीम मेंबर का मर्डर हुआ है। सर मेरी वजह से सर? हाँ, इसका जानते हो? ये तो सर अरुण है सर, इसे किसने मारा सर? तुमने मारा और किसने? सर इसे मैं क्यों मारूंगा सर, ये तो हमारी टीम का भी नहीं है सर। किसकी टीम का ये? सर ये रोशनी की टीम का मेंबर है सर, और इसका टीम वाले से कुछ लफड़ा भी चल रहा था सर। रोशनी सब ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ सब ठीक है, टेंशन मत ले। भागो यहाँ से, CID आ गए, जल्दी। पकड़ो, पकड़ो। ए रोशनी, तो बाइकर गैंग चलाने के साथ साथ लोगों का खून करने का काम भी करती हो तुम? नहीं सर, मैंने किसी का खून नहीं किया सर। झूठ, हमें पता है अरुण का खून तुमने ही किया है। अरुण का खून हो गया? कब? कैसे? अभी नाटक बंद करो, कल रात अरुण मारा गया, वो बाइक रेस में मारा गया और तुम्हारी आंखों के सामने मारा गया, उसी बाइक रेस में जिसमें तुम्हारी टीम के लिए उतरा था, और ऐसा नाटक कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ मालूम नहीं है। नहीं सर, वो अरुण नहीं था, अरुण को तो हम अपने ग्रुप से पहले ही निकाल चुके थे। अरुण को ग्रुप से निकाल चुके थे? वो सर हमारा उसके साथ कुछ पंगा हो गया था, इसलिए इस रेस के लिए हमने नितिन को बुलाया था।
ये नितिन कौन है? नितिन पहले हमारे ग्रुप के लिए रेस करता था, उससे अच्छा बाइकर मैंने आज तक नहीं देखा। फिर उसने रेस करना छोड़ दिया था, लेकिन इस बार जब हमें उसकी जरूरत पड़ी तो हमने उसे बुलाया और वो आया भी। पक्का वो नितिन ही था? हाँ सर, वो नितिन ही था। मुझे याद है उस दिन वो लास्ट मोमेंट आया था और उसने हमेशा की तरह अपनी लकी जैकेट और वो हेलमेट पहना हुआ था, लेकिन जब वो आया तो रेस शुरू होने वाली थी। लास्ट मोमेंट उससे मिलने का और बात करने का मौका ही नहीं मिला। एक मिनट, तुमने उसका चेहरा नहीं देखा? उसका चेहरा देखने का मौका नहीं मिला? इसका मतलब है नितिन का जैकेट और हेलमेट पहनकर अरुण आया था? इसका मतलब उस रात जो मरा था वो अरुण ही था? अच्छा, तुमने इस नितिन को ही क्यों बुलाया? सर, क्योंकि हमारे मेन रेसर रौनित को चोट लग गई थी सर, और हम लोगों का ये रेस जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बस इसी वजह से रौनित की जगह हमने नितिन को रेस में भेजा। क्यों? इस रेस में ऐसा क्या खास था जो तुम लोगों के लिए इसे जीतना इतना ज़रूरी था? इस रेस को जीतने वाले को बहुत पैसा मिलने वाला था, बड़े बड़े लोगों का पैसा लगा था इस रेस में। अगर इस रेस को जीतते तो नाम और पैसा दोनों होता। पर यकीन कीजिए सर, हम लोगों ने किसी को मारा नहीं है सर, बल्कि हम तो खुद हैरान थे कि चलती रेस के बीच में ऐसा धमाका हुआ तो हुआ कैसे। अगर इतनी हैरानी परेशानी हो रही थी तो पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? सर, हम लोग सच कह रहे हैं सर, हमारे खून से कोई लेना देना नहीं है सर। अरुण कब आया, कहां से आया, हम तो ये भी नहीं जानते सर। अगर ये लोग सच कह रहे हैं तो हो सकता है कि किसी ने बड़ी चालाकी से अरुण को नितिन के भेस में भेजा और फिर उसे रेस में ही मरवा दिया। हो सकता है श्रेया, पर सवाल अब भी ये है कि क्यों, कोई ऐसा क्यों करेगा? किसी का इसमें क्या फायदा हो सकता है? ये नितिन आने वाला था रेस के लिए, पर वो आता नहीं है, और वो आदमी जिसको टीम से निकाल दिया गया है अरुण, वो नितिन के भेस में आता है और मारा जाता है। क्यों सर? अगर रोशनी और उसकी टीम ने ये खून नहीं किया तो वो कौन है जो नितिन की जान के पीछे पड़ा? अब इसका जवाब तो हमें नितिन ही देगा, और इसका पता करने के लिए ये पता लगाना होगा कि नितिन इस वक्त कहाँ है। यही वो जगह है जहाँ नितिन के फोन की आखिरी लोकेशन बता रही थी। हाँ सर, और यहाँ आने के बाद ही उसका फोन बंद हो गया। तो यहीं से नितिन के बारे में कुछ ना कुछ पता चलेगा। रेडी, कितने बजे फोन बंद हुआ था उसका? यही कोई रात को 10 बजे। नितिन कल रात को यहाँ पे आया, उसके बाद गायब हो गया। कमाल है, रात को 10 बजे ऐसे सुनसान इलाके में करने क्या आया? हो सकता है सर किसी ऐसे काम से आया हो जो रात के अंधेरे में किया जाता। हो सकता है, और ये भी हो सकता है उसकी जान खतरे में हो, क्योंकि वो रेस में हिस्सा लेने आया था, वहां पहुंचा नहीं और यहाँ आके गायब हो गया। यहाँ तो दो दो रास्ते हैं सर। ये वाला रास्ता मुंबई पुणे हाईवे की तरफ जाता है, थोड़ी दूर में ही है। ठीक है, दोनों रास्ता चेक करते हैं। तुम और फ्रेडी इधर देख लो, हम इधर देखते हैं। सर, ये देखिए सर, यहाँ पे खून और ये घसीटने का निशान है। टायर मार्क्स, मतलब वहां पे किसी पे हमला हुआ, यहां तक घसीट के लाए और गाड़ी में लेकर निकल गए। कहीं नितिन तो नहीं? जो नितिन को आखिरी कॉल आया था उसके फोन पे, सर उसका तो नाम पता सब नकली था। हाँ वही, उसने आखिरी बार 9:55 पे कॉल किया था ना। हाँ सर, और रात को 10 बजे नितिन का मोबाइल फोन यहाँ पे बंद हो गया था। वही 5 मिनट बाद, यही अनजान कॉलर ही असली अपराधी है। पता करो इसके फोन की लोकेशन इस वक्त कहाँ पे है।
सर उस आदमी की फोन की लोकेशन यहीं बता रही है, 40 मीटर आगे। किस तरफ है? सर आगे। सर सर सिग्नल सामने वाले घर से आ रहा है। ये पार्टी तो मोटे लगे हैं। सो तो है, छोटा मोटा आदमी रहता तो क्या अपना बॉस इतना पैसा देता इसकी रखवाली का? ये बात तो है भाई, पर भाई मारे भेजे में एक बात समझ में ना आवे से। के सबसे पहले इसको बेहोश करवाया, और बेहोश करवाया से तो ठीक से, पर छुपवाया क्यों मारे समझ में ना आवे भाई। अरे कर दी ना गवार वाली बात भाई, अपने को पैसा मिल रहा है, अपने पैसे से मतलब रखने का, अपने को क्या लेना देना काया मरवाया। ए? मने कुछ आवाज सुनाई देवे से, तू इधर जा। सर छोड़ दो, सर छोड़ दो, सर हम देख, सर छोड़ दो। कट। सर माफ कर दीजिए सर, ध्यान रखो इसका। कहाँ हूँ मैं? आप लोग कौन हैं? घबराओ मत, हम लोग सीआईडी से हैं। ये बताओ कि ये सब कैसे हुआ, तुम यहाँ कैसे पहुंचे हैं? मुझे नहीं पता, मैं घर से रेस के लिए निकल रहा था तो मुझे एक फोन आया और उसने मुझे एमजी रोड पर मिलने के लिए बुलाया था। किसने बुलाया तुम्हें मिलने के? पता नहीं सर, मुझे लगा वो रेस के लिए मिलने के लिए बुला रहा है। तुम गैर कानूनी रेस में हिस्सा लेते हो हैं? सर लेता था, अब नहीं लेता, मैंने तो मना कर दिया था सर, लेकिन किसी बाइक वाले ने मेरी बहन को टक्कर मारकर जख्मी कर दिया। फिर वो सिटी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है, तुरंत उसको ऑपरेशन करवाना बहुत जरूरी है। 5 लाख रुपए चाहिए थे सर, मैं कहां से लाता, मजबूरी में मुझे मानना पड़ा ऑफर। सर इस पैसा मांगने वाले ने ही इसकी बहन का एक्सीडेंट करवाया होगा। हो सकता है। तुम जब एमजी रोड पहुंचे तो वहां पे क्या हुआ? वो मैं वहां पहुंचा तो किसी ने मुझ पर हमला कर दिया और फिर मैं बेहोश हो गया था। तुमने उसे देखा? नहीं, इससे पहले कि मैं देखता मैं बेहोश हो गया था। ये तुमने अपना हेलमेट किसी को दिया था? हेलमेट तो मेरे पास ही था, आखिरी बार हेलमेट मेरे बाइक पर रखा था। तुम्हारा हेलमेट पहन के एक दूसरा बाइकर अरुण रेस में उतरा था, जानते हो उसे? नहीं सर। सर वो मेरी बहन को बचा लीजिए सर, मेरी बहन। घबराओ मत, तुम्हारी बहन को हम लोग कुछ नहीं होने देंगे। फिर भी वो सिटी हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट को फोन लगाओ जल्दी। किसके कहने पे तूने इसे किडनैप किया था? लड़का था रेस लगाने वाला, उसने हेलमेट डाला था तो चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन इसका हाथ चला हुआ था सर। हाथ चला हुआ था तो उसका काम है। आपका तो काम मैंने कर दिया, अब मेरे पैसे दीजिए और मैं कुछ दिनों के लिए शहर छोड़ के बाहर जाना चाहता हूँ। तू टेंशन मत ले किशोर, तूने बहुत बढ़िया काम किया है, तूने सही वक्त पे सही जगह से नितिन को उठाया, मैं तेरे से बहुत खुश हूँ। ये ले तेरे पैसे।
बहुत पैसे बांटे जा रहे। सीआईडी, सीआईडी निकेत, अगर भूल गए हो तो तुम्हें फिर से याद दिला देता हूं, कानून से तेज कोई नहीं दौड़ सकता, समझे? ये बता, नितिन को किडनैप क्यों किया और अरुण को क्यों मारा? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हम लोग वो रेस जीते। क्या तुम चाहते नहीं थे कि रेस जीते? क्यों? कहने को तो मैं लीडर था सर, और सब कुछ उस रोशनी ने अपने हाथ में कर रखा था। वो धोखा दे रही थी मुझे। रोशनी धोखा दे रही थी? लेकिन वो भी तुम्हारा तेरा टीम लीडर ही थी, वो तुम्हें कैसे धोखा दे रही थी? बहुत दिनों से रोशनी रौनित के साथ मिलके रेस के पैसों की हेराफेरी कर रही थी सर। रोशनी ने रौनित के साथ मिलकर इस बार तो सारे पैसे लेके मेरे को रेस से निकालने का भी प्लान बना लिया था, पर जैसे ही मुझे ये सब पता लगा मैंने ठान लिया कि इन लोगों को ये रेस नहीं जीतने दूंगा। और इसलिए तुमने नितिन को अगवा करवा लिया? हाँ, क्योंकि मैं जानता था कि अगर नितिन इस रेस में पार्टिसिपेट करेगा तो ये रेस जीत ही जाएगा। लेकिन अरुण को क्यों मरवाया तुम लोगों ने? सर, अरुण को? नहीं सर, मैंने अरुण को नहीं मरवाया। अरे, जब मुझे पता लगा कि नितिन की जगह अरुण रेस में मारा गया है तो मुझे खुद बुरा लगा सर, पर मैंने अरुण को नहीं मरवाया। इसका मतलब नितिन की जगह अरुण को किसी और ने भेजा था? भेजा होगा मैम, मैंने नहीं भेजा था। मैं तो बस ये चाहता था कि रोशनी ये रेस ना जीते, बस। मुझे जो सही लगा मैंने किया, पर मेरा यकीन करिए मैंने अरुण को नहीं मारा है। तुम्हारी टीम में और किस किस को पता था कि तुम नितिन को किडनैप करने वाले हो? किसी को नहीं, मैं किसी पे भरोसा ही नहीं कर सकता था। मतलब इस खेल में कोई और भी शामिल है? और जो कोई भी है उसे सब कुछ पता था? होगा तो कोई टीम का मेंबर ही। कुछ करना पड़ेगा दया। क्या बात है अनिकी, अचानक से हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? देख भाई, हम लोग पहले ही बहुत मुसीबत में, और कोई लफड़ा झेलने की औकात नहीं है हमारी। जल्दी बताएगा क्या बात है? कोई लफड़े वाली बात नहीं है, गुड न्यूज देनी है। गुड न्यूज? क्या? अब भाई इतनी फुटेज क्यों खा रहा है, जल्दी बताएगा? अरुण जो कि नितिन की जगह रेस में मारा गया था वो जिंदा है। He's alive. ना खुशी? What? क्या बकवास कर रहा? पागल वागल हो गया क्या? हम सबके सामने मरा था एक्सीडेंट में वो। यार यही तो गुड न्यूज है बड़ी। देखो एक्सीडेंट में वो मरा नहीं है, घायल जरूर हुआ। He is alive and safe. Really? हाँ। Where is he? वो अभी इस वक्त हमारे बीच में मौजूद है। Thank you.
तुम? मैं जानती हूँ तुम अरुण नहीं हो। अरुण तो मेरे सामने मरा है, कोई वापस जिंदा कैसे हो सकता है? कौन हो तुम बोलो। सीआईडी मुझे बेवकूफ बनाया? अब बने बनाए को क्या बेवकूफ बनाए मैडम, लेकिन अक्सर ऐसा होता है जो दूसरों को बेवकूफ समझते हैं वो खुद सबसे बड़े बेवकूफ होते हैं। तुमने जानबूझकर अरुण की बाइक में गड़बड़ी की जिससे वो मारा जाए, क्यों? हाँ मैंने किया। जब अनिकेत नितिन को किडनैप करवाने के लिए फोन पर बात कर रहा था तो मैंने सब कुछ सुन लिया था। अपने इरादे के लिए मैंने इसका इस्तेमाल किया। लेकिन अरुण को क्यों मारा? रोशनी से बदला लेने के लिए। रोशनी से बदला लेने के लिए अरुण को मार दिया, ये कैसा बदला हुआ? मैं और रोशनी बचपन से दोस्त थे, हर चीज आपस में शेयर करते थे। ये जानती थी कि मैं इस टीम की बेस्ट बाइकर हूं। जब से वो इस टीम में आई है मेरा सब कुछ छीन लिया, नाम शौहरत सब कुछ। तो रोशनी ने तुम्हारी जगह ले ली थी? हाँ, लेकिन चालाकी से, हुनर से नहीं। ये मुझसे जलती थी। ये तुम क्या कह रही हो सुहाना, पागल हो गई हो तुम? मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया, मुझे वही मिला जिसकी मैं हकदार थी। तो अपना बदला लेने के लिए तुमने अरुण का खून करवाया और रोशनी को फंसा दिया ताकि हमेशा के लिए बाइकर टीम से इसका सफाया हो जाए, क्यों? हाँ, मैंने जानबूझकर अरुण को मरवाया क्योंकि मैं वो सब कुछ वापस पाना चाहती थी जो इसने छीन लिया मुझसे। इसमें मेरी क्या गलती थी? तुम लोगों ने मेरी बहन का एक्सीडेंट क्यों करवाया? घबराओ नहीं नितिन, इनके किए की सजा इन्हें जरूर मिलेगी और तुम्हारी बहन अलीशा अब वो खतरे से बाहर है, कुछ नहीं होगा उसे। और एक बात ध्यान से सुन लो तुम लोग, कि तुम लोग जो बाइक रेस करते हो ना गैर कानूनी है, समझे? और उनके मर्डर, नितिन की किडनैपिंग और इसकी बहन की जान लेने की कोशिश के लिए सब जेल की चक्की पीसोगे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।